हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ्स के जो थर्ड सेम है उसका एक बुक है फंक्शनल एनालिसिस, उसके सेशन फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है नॉन लीनियर स्पेस, उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे आज। तो फर्स्ट है हमारा फंक्शनल स्पेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल स्पेस होता क्या है। फंक्शनल स्पेस सी ए बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। जो फंक्शनल स्पेस होता है वो क्या होता है, इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ऑल रियल कॉन्टीन्यूस जो रियल वैल्यूड होती हैं कंटीन्यूस फंक्शन, उनका सेट होता है डिफाइंड ऑन, जो किस पे डिफाइंड होता है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ए बी पर जो डिफाइन होता है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ t बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स टी, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्पेस। इसे हम क्या फंक्शनल स्पेस कहते हैं, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ सी ए बी इज़ अ फंक्शन। इसको हम फंक्शनल स्पेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एवरी सी ए बी का हर एक पॉइंट होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है एक। ठीक है, तो इसका आपको आगे क्वेश्चन करेंगे, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। प्रूव दैट फंक्शनल स्पेस सी ए बी इज अ नॉर्म स्पेस। हमें प्रूफ करना है जो फंक्शनल स्पेस सी ए बी है वो क्या है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस है या नॉर्म स्पेस है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, लेट v इक्वल्स टू सी ए बी। जो v है वो किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल्स टू, और ये किसके इक्वल्स है, x सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R। जो ए बी है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड x इज कॉन्टीन्यूस, और जो x है वो वहाँ वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो हम क्या कह रहे हैं, v इज़ अ वेक्टर स्पेस। v यहाँ पे क्या है, v इज़ अ वेक्टर स्पेस विद एल्जेब्रिक ऑपरेशन। वेक्टर स्पेस है एल्जेब्रिक ऑपरेशन डिफाइंड एज x प्लस वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस वाई टी, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है हमारी, और लैम्डा एक्स टी इक्वल्स टू लैम्डा एक्स ऑफ टी। तो इसको ये एल्जेब्रिक इक्वेशन कह रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो फंक्शन है, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन अ फंक्शन नॉर्म ऑफ एफ सच दैट सी ए बी टेंड्स टू आर। जो सी ए, इस टाइप का हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी एंड मोड ऑफ एक्स टी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको वी को हमने एक वेक्टर स्पेस माना। वी क्या है, इस टाइप का है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और उसके बाद हमने इसका एक फंक्शन डिफाइन किया। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट कि नॉर्म ऑफ एफ इज़ अ नॉर्म स्पेस, कि जो नॉर्म ऑफ एफ है, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, वो क्या है, नॉर्म स्पेस है। तो इसके लिए नॉर्म स्पेस के चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मॉड ऑफ एक्स टी, ये इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, तो सीन्स जो हमारा मोड ऑफ एक्स टी होगा, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। हमें पता है कि मोड के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी, जो टी है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, ए बी में से। ए बी क्या है, जो बाउंडेड फंक्शन है, ये ना कि बाउंडेड क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम क्या होगा, अगर मोड ऑफ एक्स टी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो मैक्सिमम ऑफ ए टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स टी भी क्या है, होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। और दस नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, और वी किसके इक्वल है, फंक्शनल स्पेस के, यानी सी ए बी के इक्वल है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट नॉर्म स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, और ये क्या है, कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ। नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जब मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, कि अगर मोड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो तब होगा जब मैक्सिमम, इसका जो मैक्सिमम है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। और ये कब इक्वल्स टू जीरो होगा, इफ़ एंड ओनली इफ मोड ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू जीरो, और मोड ऑफ एक्स टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए बी। टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बी में से। और ये इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जब एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो होगा, और एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। वे आर जीरो डिनोट जीरो फंक्शन, जो जीरो है वो क्या डिनोट कर रहा है, जीरो फंक्शन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो दस
norm of x equals to 0 if and only if x equals to 0, x belongs to v, v is equals to cab. तो यहाँ हमारी second property norm space की satisfy हो रही है. अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, और वो क्या है कि हमने लेट किया कि x एंड y बिलोंग्स टू v, x और y किसके एलिमेंट है v के, और v किसके इक्वल है c a b के. तो norm of x plus y is equals to maximum of t belongs to a b, मोड ऑफ एक्स टी प्लस वाई टी, ऐसे लिख सकते हैं. अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी होता है. तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो पूरी इक्वेशन है ये लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स टी प्लस मोड ऑफ वाई टी हो जाएगा. तो इसको जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स टी प्लस मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स टी. और हमें पता है ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ वाई के. दस जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म स्पेस की कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई भी सेटिस्फाई हो रही है. अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई. इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने लेट किया लैम्डा बिलोंग्स टू आर, जो लैम्डा है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में से. एंड एक्स बिलोंग्स टू वी, जो एक्स है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, वी में से. देन नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ अल्फा एक्स टी, इसको ऐसे लिखेंगे. उसके बाद इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ अल्फा एक्स टी. और ये किसकी, ये कब इक्वल होगा, अब हम ये स्केलर है, जो अल्फा है वो स्केलर है इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं. तो आएगा मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड अल्फा मोड एक्स टी इज इक्वल्स टू मोड अल्फा बाहर ले लिया, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स टी. दस नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल, जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से और एक्स बिलोंग कर रहा है वी में से. देयरफॉर नॉर्म ऑफ एफ इज अ नॉर्म ऑन सी ए बी, जो नॉर्म ऑफ एफ है वो क्या है, नॉर्म है, नहीं जो हमारे फंक्शन हमने डिफाइन किया वो है नॉर्म है. हैंस सी ए बी इज अ नॉन लीनियर स्पेस, इसलिए जो नॉर्म स्पेस है, जो सी ए बी है यानी फंक्शनल स्पेस है, वो क्या होगा, नॉर्म स्पेस होगा. थैंक यू सो मच.